अगर आप लड्डू बन जाते, लड्डू मतलब पंजाबी की कला है, मतलब तुम छले बन जाते हैं, जिस तरह हिंदुस्तान की मेन पार्टियां सीपीआई सीपीएम इंडियन बुर्जुआजी की तलेडू पिछलगू और वह बन गई है। समझी मेरी बात आप? इसलिए इसलिए मेरा मतलब है, मैं खुश हूं कि आप यूनिटी और स्ट्रगल मेरा मशवरा ही दे सकता, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरी राय यही है कि जब तक आजादी की तारीख है उसमें यूनाइटेड हिंदुस्तान तो कम्युनिस्टों ने सबसे ज्यादा लेकिन आजादी के बाद स्ट्रगल की लाइन जो थी बल्कि वो लुटेरे तबकू के एस्टैब्लिशमेंट वाले साहब आए। मतलब है अंग्रेज के हाथ क्या है सिर्फ आजादी। मैं कहता हूँ कुछ बातें मैं खुल कर करना चाहता हूँ, मुझे पसंद जिंदगी में अगर मौका मिले आपसे मिलने के लिए ज्यादा ही मिले। हम आजाद हो जाता है जरूर, मेरा फर्ज कर देते हैं हमारे कंसेप्शन के मुताबिक इंडिपेंडेंट जरूर करता है। जो हम सब लोग जो यहाँ बैठते हैं वो यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सालियत कायम रहे और जम्मू कश्मीर में एक अलग इंडिपेंडेंट कश्मीर वजूद में आया। हम जहाँ जो ज्यादातर ये लेकिन उसके बाद निजाम क्या कायम हो, ये सवाल है एजेंडे पर आया। आज अगर निजाम मुस्तफा निजाम मुस्तफा सही मानू मैंने, ये जो कहते हैं उलमाए सू उलमाए हक नहीं उलमाए सू जो निजाम मुस्तफा पर आया बताते हैं वो एक्सप्लॉयटेशन के कायम जिस तरह अताउल्लाह शाह बहारी थे, उन्होंने कहा अल खल्कु लिल्लाह अल अर्दु लिल्लाह, जमीन भी खुदा की है और बंदा भी खुदा का है, इसलिए आजादिया तकसीम कर दो जगह दारू में कोई आग नहीं। लेकिन आज यहाँ है जो निजाम मुस्तफा के नाम पर जागीरदारी को कहते हैं, मैं उनको इसलिए ये जरूरी है। मतलब हिंदुस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, आजादी तो हुई हमको भी आजादी हो जाती है अगर हिंदुस्तान में भी आज हुकूमत जो वो तीन दफ्तर इंपीरियलिज्म की सब पाकिस्तान में सब वर्ल्ड बैंक के थे, सब इंटरनेशनल कंसोर्टियम के थे, सब इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थे, इनकी खारजा पॉलिसियां इंटरनल पॉलिसियां ट्रेड तजारत सब दोनों जगह एक जगह नहीं। मुल्क में गमाश्ता सरमायादार ये इंडिपेंडेंट सरमायादारी नहीं है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये जूनियर पार्टनर है इंटरनेशनल कैपिटल सिस्टम और फ्यूडरिज्म की लड़ाई। आज कोई है हिंदुस्तान में भी धोखा है लैंड रिफॉर्म, वो पहले ऐलान करते हैं वो पहले ही जमीन पर बांट देते हैं। यहाँ भी हुए मतलब भी हुआ कुछ थोड़ा सा हुआ, लेकिन मतलब है जमीने बंट गई और किसानों को आदमी को कुछ नहीं मिला। इसलिए हुकूमत जो है निजाम जो है वो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में दोनों जगह पर जो है वो एम्पिरिज्म कॉम्प्रेडोर कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म हुकूमतें उनकी हैं पार्टियां उनकी हैं। पार्टियां हिंदुस्तान में
बीजेपी का नेशनल यूनाइटेड फ्रंट अलायंस बन जाए, कांग्रेस का यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बन जाए, कोई यहाँ बन जाए पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत बन जाए, जरदारी साहब की हुकूमत रह जाए, कोई और हो जाए, असल में ये तीनों जब तक इंकलाब नहीं। इसलिए आपको भी खबरदार करने की जरूरत है कि आज़ादी की जद्दोजहद के बाद सिस्टम क्या, आज कई लोग हैं यहाँ भी हैं इतिहासों में लिखते हैं, मतलब वो कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह कमाल, महाराजा हरि सिंह इंडिपेंडेंस चाहता, रामचंद काट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट आमरियत के लिए थी, वो आमरियत जो चाहते थे वो जागीरदारी के लिए थी, वो आमरियत जो इंडिपेंडेंट चाहते थे वो शख्सी हुक्मरानी के लिए थी, वो आवाम के लिए नहीं। आवाम आज हम क्या इंडिपेंडेंट चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक सेकुलर स्टेट, एक डेमोक्रेटिक स्टेट, एक पार्टी सेटल स्टेट हो और जिसमें सोशलिस्ट निजाम और आजादी के बाद भी एक्सप्लॉयटिंग क्लासेस ने हुक्मरानी करी है तो फिर मतलब पाकिस्तान का हुक्मरो काला कुत्ता हो या चिट्टा कुत्ता हो, कोई हो, मतलब सूर हो, सूर का बच्चा हो, बाकी बड़ा बड़ा प्रगंडा होगा आपके अंदर। अभी अभी आपकी ताकत थोड़ी पकड़ोगे तो उलमाए सू आपके पीछे पड़े, मतलब है कुफर का फर्क है, मतलब है कि ये तैरी अफगानिस्तान में क्या हुआ आज रोते हैं, लेकिन इसी अमरीका ने कुफर के नाम पर वहां तालिबान पैदा किए, इसी अमरीका ने लीबिया में कर्नल गद्दाफी को कत्ल करवा दिया, इन्होंने इराक में सदाम हुसैन को कत्ल करवा दिया, इसी इसी ये मालूम है बड़ा खतरनाक है, इन्होंने अफगानिस्तान में अमानुल्लाह खान जैसे मजाहिद और माजी का तकबा उड़ दिया और बच्चे सके की हुकूमत गांधी आपको याद है बच्चा सका क्या था वो बड़ा ये था दूसरे चमड़े का सिक्का जारी कर दिया अमानुल्लाह खान का निकालने के बाद ये इसकी बचने की जरूरत, लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्क्सिज्म सिद्ध नहीं है इस्लाम, मतलब मार्क्सिज्म बाद सिमिलैरिटीज हैं कुरान के साथ बाद सिमिलैरिटीज और उसकी थ्री कोई मैं कहना चाहता हूँ ये इसलिए कि आप सोसाइटी को मानता है तो आपके लिए और बस अल्लामा इकबाल मैं खुशी जिक्र करना चाहता हूँ कि उनका क्या नजरिया था, अरमान आवाज में उन्होंने एक कभी अबरीस और उसकी नजर से उसमें मार्क्सिज्म को बस क्या कहा है, मैं उन्हें को पूछना चाहता हूँ, फिर इकबाल को भी नहीं मानते तो ना माने अब हम क्या करते, मुसलमान था उसने कहा वो कलीमे बेतजली वो मसीह बेतरी नेस्त पैगंबर वाले एकदम डर बदल डाल रहे थे था किताब का मतलब समझते हैं ना क्या किताबें जा रही हैं हैं पांचवा घंटा ही है दूसरों दलिया चार किताब और दलिया इसलिए जब मार्क कहता है एक
बड़े इस्लामी फलासफर हुए हैं जिनको पान इस्लामिज्म का पानी भवानी कहते हैं। जुमानों के नमस्कार अपने नाम को जुमा होगा वो उस वक्त पैदा हुए उस वक्त थे हम असर थे और उन्होंने इंपीरियलिज्म के खिलाफ फंडामेंटलिस्ट होते हुए आलम होते हुए उन्होंने मतलब इंपीरियलिज्म के खिलाफ वो ईरान में गए ईरान के बादशाह को कहा तुर्की में गए तुर्की को बादशाह के किसी ने बात नहीं मानी वो जामिया अजहर में जामिया जामिया सदर जामिया भी रहे वाना वहाँ भी उन्होंने इस्लाहात करने की कोशिश की हिंदुस्तान में भी आए तो अलामा इकबाल भी उनके बड़े मुतासर और अलामा इकबाल मौला जला मौलाना जलालुद्दीन जुम्मी के साथ मुलाकात और उसमें एक जगह पर मौलाना जुम्मी से जमालुद्दीन अफगानी पूछते हैं मार्क्स के मुताबिक कि बताओ वो क्या चीज तो इकबाल ने कहा कि साहिब सरमाया सरमाया कैपिटल किताब है जो मार्क्स ने लिखी उसको सरमाया और कहते हैं कैपिटल कैपिटल उसने कहा साहिब सरमाया अज नस्ल खलील ये खलीलुल्लाह की नस्ल में साहिब सरमाया अज नस्ल खलील यानी यहाँ पैगंबर है गए जबराइल जबराइल के बगैर वो कह नहीं सकते हैं लेकिन कहा जबराइल नहीं आया लेकिन वो भी कहा अब इसके बाद मुझे क्या कहता है कि मतलब मार्क जो है कि इस्लाम है इकबाल के इस फोटो के बाद मुझे कुछ जब याद है इसलिए और जब कुरान हकीम कहता है लन तनालुल बिर्रा तुन्फिकू मिन मा तुहिब्बू और एक बात उसके जिंदगी करते हैं हजरत अली सरफकुम तर्राए लन तनालुल बिर्रा तुन्फिकू आप यह कहना आप तो जो प्रॉफिट मैं प्रॉफिट ना भी मानूं लेकिन बहुत बड़े इंसान के मतलब जिन्होंने बलाल अबशी को कुरैश को छोड़ के मनारे पर चढ़ा दिया अब उस आदमी का यहाँ मुकाबला है उनके उनके मतलब यह कहा जाए कि इस्लाम के इंकार का उस वक्त के मुताबिक इसलिए ये फतवेबाजी से डरना नहीं कभी हक नारा देना हक दा तो सब ही बड़ा जा सच्ची बात कहो वही जहाद है ये बंदूक लेके जहाद भी अलग बात है मतलब वो मतलब ये जिन्होंने नारा दिया वो आप महात्मा गांधी के चेहरे पर बर्बाद हो गए तबाह हो गए कहते हैं अब हमने जितना छोड़ दिया मैं नाम नहीं किसी का मैं पता है इसलिए मतलब मैं ये कहता कि जो सिलसिला आपने कायम रखी है अपनी कि वो कहीं जैसे ब्रिटिश के साथ कंप्रोमाइज करके हिंदुस्तान में कांग्रेस कांग्रेस ने कैपिटलिस्ट फ्यूडल सिस्टम नाफज कर दिया हिंदुस्तान में पाकिस्तान में मुस्लिम लीग ने कैपिटलिस्ट फ्यूडल सिस्टम कर दिया